वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में नंबर की सेपरेशंस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि नंबर्स की सेपरेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लिस्ट हो और उस लिस्ट में से आपने एक ही कॉलम के अंदर जो है वो नंबर्स और टेक्स्ट की एंट्री की हुई है, और अगर आप चाहते हैं कि अब मुझे यहाँ से जो है वो नंबर्स को सेपरेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपको यहाँ पर एक लिस्ट नज़र आ रही है जिसमें नंबर्स और टेक्स्ट दोनों लिखे हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से नंबर को सेपरेट करूँगा तो अगर मैं वन बाय वन करता हूँ इस तरीके से 852 और 456, तो इसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी तो डाटा मेरे पास शॉर्ट है तो इसमें इतना टाइम ना लगे। लेकिन अगर कोई ऐसी लिस्ट हो जिसमें आपके पास जो है वो नंबर की सेपरेशन करने को आ जाए और वो लिस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा लंबी हो तो वहाँ आपका बहुत सारा टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है, आप एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और उस फार्मूले से आपका जो मिनटों का काम होगा वो सेकेंड्स में हो जाएगा। तो वो फार्मूला क्या है यहाँ पर, तो यहाँ आप अप्लाई करेंगे इक्वल इफ एरर। अब इफ एरर फार्मूला क्या है ये मैं बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो इस वीडियो का लिंक जो है वो ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से वीडियो को देखें और आपको आइडिया हो जाएगा कि इफ एरर फार्मूला करता क्या है। तो मजीद हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे आज की क्लास में भी। यहाँ आपको इफ एरर फार्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू के अंदर आप देंगे यहाँ पर ये वाला सेल जहाँ पर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है वन से, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब नेक्स्ट आपसे पूछेगा वैल्यू इफ एरर, तो इसमें आप करेंगे क्या, डबल कोटेशन ओपन कर देंगे और डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आप एंटर करेंगे। तो जैसे एंटर करेंगे तो आपका काम हो गया। अभी यहाँ आपके पास ब्लैंक आ रहा है, इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट है, हमने यहाँ पर नंबर को सेपरेट करना है। तो जैसे ही फॉर्मूले को आप ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने ही मिनट का काम था और हमने कितने सेकेंड्स के अंदर जो है वो ये काम कर लिया है। तो अब मुझे मैनुअल टाइप नहीं करना पड़ा, बस मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ किया और उस फॉर्मूले से मुझे जितने भी मेरे लिस्ट के अंदर नंबर्स थे उन नंबर्स को इस फॉर्मूले ने सेपरेट कर दिया। है ना अमेजिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लाजमी बताएं ताकि आने वाली वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।